जय राधा माधव कुंज बिहारी, बजाओ खुल के बजाओ। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वन चारी, जमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वन चारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल गुर हरि बोल नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा श्लोक है? श्लोक संख्या 23। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, और श्लोक संख्या 23। सबके पास है, दिख रहा है? तम विबुक् विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरे घन नघ तत्रान्तर्दधिरे नघ तन् विवक्षुम् अभिप्रेत्य महापुरुष किंकराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरे नघ तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकराः सहसा पश्यतस्तस्य
तत्रान्तर्दधिरे नगः अच्छा हो गया शब्दार्थ हे तम उस को अजामिल को विवक्षुम बोलने की इच्छा करते हुए अभिप्रेत्या समझकर महापुरुष किंकरा भगवान श्री विष्णु के दूत सहजा एकाएक पश्यतः तस्य उसके देखते देखते तत्र वहाँ अंतर दधिरे अंतर्धान हो गए अनघ हे निष्पाप महाराज परीक्षित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, अतः वे सहसा उसके सामने से अदृश्य हो गए। तात्पर्य, शास्त्रों का कथन है, पापिष्ठा ये दुराचारा देव ब्राह्मण निंदका अपथ्य भोजनास्ते साम अकाले मरणम ध्रुवम। जो लोग पापिष्ठ अर्थात अत्यंत पापी होते हैं तथा दुराचार अर्थात गंदी आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं, जो वैष्णवों तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं सब कुछ खाते हैं, तो ऐसे लोगों की उनकी असामयिक मृत्यु निश्चित है। असामयिक मृत्यु मतलब कभी भी मर सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ, अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों का अकाल मृत्यु निश्चित है। लोग कहते हैं अकाल मृत्यु से कैसे बचें, अकाल मृत्यु से बचना है तो ये जो श्लोक है वो अकाले मरणम ध्रुवम। ध्रुवम मतलब पक्का है, ध्रुवम मतलब पक्का, उसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित तौर पे अकाल मृत्यु होगी। किसका? इन लोगों की। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष की होती है, किंतु ज्यों ज्यों लोग अधम होते जाते हैं उनकी आयु घटती जाती है, प्रायण अल्पायुषः। चूंकि अब अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त हो गया था, इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी, यद्यपि उसे तुरंत मरना था। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहना चाह रहा है, तो वे उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर्धान हो गए। चूंकि उसके सारे पाप फल नष्ट हो चुके थे,
अतः अब वह परम भगवान की महिमा का गायन करते हुए तत्पर था। वास्तव में जब तक कोई सारे पाप कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाता, वह श्री भगवान का महिमा गायन नहीं कर सकता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। 7.28 भगवद गीता। जेसाम त्वंतगताम पापम ज्ञानानाम पुण्यकर्मणाम, जनानाम होना चाहिए, यहाँ ज्ञानानाम लिखा हुआ, जनानाम है ना, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। विष्णु दूतों ने अजामिल को भक्ति से अवगत कराया, जिससे वह तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन सके। श्री भगवान का गुणगान करने हेतु उसकी उत्सुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वे अंतर्धान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वह वियोग का अनुभव कर सके। वियोग अवस्था में श्री भगवान का गुणगान अति तीव्र हो जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं सापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम विवक्षम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा
सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतरदधिरे नघ। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, अतः वे सहसा उसके सामने से अदृश्य हो गए। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है इस श्लोक में के तात्पर्य में, और ये जो क्लाइमेक्स पॉइंट है ये अजामिल के लाइफ का, यहाँ से अजामिल का जीवन जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। एक भक्त का जीवन यहाँ से प्रारंभ होने वाला है ना। अभी तक तो अजामिल जो है वो पाप के जीवन में था और फिर उसके जीवन में संकट आया, यमदूत उसको लेके जाने वाले हैं, तो यमदूत कहाँ ले जाएंगे? स्वर्गलोक। कहाँ ले जाएंगे यमदूत? हैं, यमलोक में, है ना। यमलोक में क्या होगा, क्या होगा बताइए? हैं, दंड दिया जाएगा, बहुत पिटाई होगी। तो यही पे यही प्रश्न था कि कैसे हम बचा सकते हैं लोगों को यमलोक जाने से, यमदूतों से कैसे बचाएंगे? यमदूतों से बचाने के लिए विष्णु दूतों की जरूरत है ना। इसलिए दो डिपार्टमेंट होता है, एक होम मिनिस्ट्री और एक एजुकेशन मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्री। तो पहले जीव को जी दिया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री को हैंडओवर किया जाता है, पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो कि क्या सही है और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्म किम अकर्मोपि, है ना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अभी मैं एक आंकड़े को देख रहा था, NCRB की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो पूरे भारत में कितने क्राइम हुए उसका रिकॉर्ड रखती है। इसके लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इस एजेंसी के रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले एक साल में भारत में 66 लाख क्राइम हुआ, रिकॉर्डेड क्राइम, मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 66 लाख क्राइम एक साल में, और हर साल बढ़ता जा रहा है क्राइम। अजामिलों की संख्या बढ़ती जा रही है, है ना। अजामिल मतलब क्या, क्या क्राइम का प्रतीक है ना, अपराध का प्रतीक अजामिल है। वो हर जीव जो इस प्रकार से अपराध करता है वो क्या है, अजामिल। एक तो अजामिल था जिसकी कथा श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत में, और श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते भी हैं कि आज के समय में हजारों लाखों की संख्या में अजामिल है और हर साल 66 लाख अजामिल, इंडिया की बात केवल कर रहे हैं, है ना। तो कितने विष्णु दूत होने चाहिए? एक अजामिल के चार तो मतलब कितने हो गए। तो विष्णु दूतों का काम बहुत ज्यादा है ना।
तो दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि इसलिए ये कथा जो है प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में अजामिल प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अदालत भारत की अदालतों में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है अभी, और हर साल सोचिए कि 60 लाख जोड़ ऐड हो जाते हैं, मतलब जितने नए क्राइम हुए वो सब अदालत में ऐड होते जाएंगे। 4.5 करोड़ का पहले बैकलॉग है, और प्लस हर साल 50 लाख 60 लाख जुड़ता जा रहा है। जेल में संख्या बढ़ती जा रही है, मंदिरों में घटती जा रही है। भारत में जितने जेल हैं हाउसफुल हैं, मतलब ओवर फ्लड हो रहे हैं, जेल ओवर फ्लड हो रहे हैं, कैदियों की संख्या उमड़ती जा रही है। कुल 4,70,000 कैदियों की रखने की व्यवस्था है इंडिया में जेल में, और कितने कैदी हैं अभी जेल में जानते? 4 लाख। जैसे मान लीजिए आपको ब्रह्मचारी आश्रम में 100 लोगों की व्यवस्था हो और 150 भक्त हो जाए तो क्या होगा है? तो फिर थोड़ा टाइट हो जाता है कि कुछ लोग बदमाशी करेंगे तो निकाल सकते हैं ना? जेलों में संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बढ़ गई है। 4,70,000 कैदियों के लिए जेल बनाए गए टोटल कैपेसिटी अभी, और 5,20,000 कैदी हैं ऑलरेडी। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि आखिर केस इतना जल्दी क्यों नहीं सुलझा रहे हैं, सुलझा भी लिए तो जेल कहाँ से भेजेंगे, जेल तो ऑलरेडी भरा हुआ है। इसलिए भारत में जमानत जल्दी मिल जाती है, तो लोगों को समझ में नहीं आती कि इतनी जल्दी जमानत क्यों मिलती है, क्योंकि जगह ही नहीं है जेल में। अगर जमानत नहीं देंगे तो क्या होगा, और संख्या बढ़ जाएगी। जनता टैक्स दे रही है, पूरे जितने जेल हैं भारत के उसको चलाने के लिए सरकार हर साल 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है। कितना? 7,000 करोड़ रुपए जेल चलाने के लिए केवल। तो सोचिए क्या स्थिति है अभी। उसमें भी सारे केस 4.5 करोड़ अगर हल कर दिए जाए आज के समय, आज कर दिए जाए, तो कितने और कैदी चले जाएंगे जेल में? कम से कम 1 करोड़ कैदी और जेल में जाएंगे, और 5,000 कैदी के लिए 7,000 करोड़ लग रहा है, तो 1 करोड़ कैदी के लिए कितना लगेगा, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा सरकार को केवल कैदियों को मेंटेन करने के लिए? लाखों करोड़ों रुपए हैं, कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए लगेंगे सरकार को कैदी हैं। 1,40,000 करोड़ है ना, पूरा ढांचा एकदम हिल गया है, और किसी के दिमाग में नहीं समझ में आएगी इसको कैसे संभाला जाए, आउट ऑफ कंट्रोल है ना। कोई व्यवस्था अब हाथ से सारी चीज़ें बाहर हो चुकी है, इसलिए सरकार भी अब सोच भी नहीं रही कि कंट्रोल किया जाए, वो केवल दिखाने के लिए थोड़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रिपोर्ट में लिखा गया है कि क्योंकि लोग जो हैं इतने क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, उस रिपोर्ट में खुद लिखा है कि भारत में नहीं पूरे विश्व में लोग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग
सही और गलत में भेद करने में सक्षम नहीं है, क्या गलत है क्या सही है समझ नहीं पा रहे हैं लोग। पाप को ही पुण्य समझ रहे हैं और पुण्य को पाप, है ना, उल्टा हो गया, पाप को पुण्य और पुण्य को पाप। तो इतनी संख्या जामिलों की बढ़ती जा रही है ना। तो कैसे जो कलयुग जिसका वर्णन शास्त्रों में आया है, तो वो कलयुग आएगा नहीं, वो कलयुग ऑलरेडी हम उसमें प्रविष्ट कर चुके हैं, ट्रेलर चल रहा है अभी। अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले एक साल में इंडिया में 50,000 मर्डर हुए, लेकिन मर्डर से 5 गुना ज्यादा आत्महत्या हुआ है, 2.5 लाख लोग आत्महत्या करके मरे हैं, 5 times। मतलब अब न्यायालय, भारत के न्यायालयों में आजकल फांसी की सजा नहीं मिलती है तो लोग कोटा खुद ही पूरा कर देते हैं, है ना, बोले कोर्ट दे या ना दे, माया तो फांसी पर चढ़ा ही देती है, गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। माया जो है खुद ही मजबूर कर देती है, कोई बात नहीं, जज साहब थोड़े सो रहे हैं आजकल, हम तो माया ही इंस्पायर कर रही है लोगों को कि चलो तुम ही चढ़ जाओ फांसी पे। इसलिए एक नया पंखा आया है मार्केट में, एक नया पंखा आया है, बहुत पॉपुलर हो रहा है पंखा, सीलिंग फैन, उस पर कोई सुसाइड नहीं कर पाए क्योंकि जैसे ही लगाएंगे लटकेंगे गिर जाएगा वो तो काफी लोग वो पंखे को खरीद रहे हैं, है ना, कि कोई हमारे घर में अगर आत्महत्या करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा क्योंकि पंखा गिर जाएगा और वैज्ञानिकों ने तो एक सुसाइड मशीन बना दी है, नया सुसाइड मशीन बनाया है कि अगर आपको मरना है तो उस मशीन में घुस जाइए और सो जाइए, एसी चल रहा होगा और आराम से सो जाएंगे आप और फिर उठ नहीं पाएंगे, मतलब उसके आनंद में मरिए। ऐसी मशीन बनाइए कि अगर किसी को सुसाइड करना है तो सुसाइड बहुत आसान बना दिया जाएगा, सुसाइड की बहुत अच्छी सुविधा होगी, हो गई है, बहुत इंडिया में भी आ जाएगा कुछ दिनों में, तो आप बहुत आराम से सुसाइड कर सकते हैं, भले जी हो सकता है कि जी न सके आप आनंद से, पर मर सकते हैं आप। है ना, हर साल 2.5 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं इंडिया में, तो सोचिए कितने लोग सोच रहे होंगे करने के लिए, कितने लोग तो पास हो गए, तो कितने लोग एग्जाम में बैठे होंगे सुसाइड के, क्योंकि आसान नहीं है पास होना, बहुत हिम्मत चाहिए सुसाइड करने के लिए। तो 2.5 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसका मतलब कितने लोग सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, हैं, मनुष्याणाम सहस्रेशु, हजारों में एक व्यक्ति कर पाता है, लेकिन सुसाइड। तो इससे पता चलता है कि ये जो दिखावा कि इतना हम एडवांस कर रहे हैं, हमने ये विकसित कर लिया, हमने वो विकसित कर लिया, है ना, ये उल्लू तो बना रहे हैं लोगों को, है कि नहीं, अंदर से सब कुंठित हैं, कुंठा है, कुंठा अंदर से सब कुंठित है, इसे पता चलता है कि बाहर से मुस्कुरा रहे हैं है? लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे हैं लोग, रो रहे हैं, इसे कलयुग कितना बढ़ रहा है हम इसको देख सकते हैं और अपने सौभाग्य की
सराहना भी कर सकते हैं कि हम लोग कितने क्या सौभाग्यशाली हैं, है ना, कि हम लोग इस कलयुग के प्रभाव से बच गए हैं ना, कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मांड कर भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, उस सौभाग्य की जितनी हम सराहना करेंगे, इसलिए अजामिल को छोड़ दिया जा रहा है यहाँ पे। विष्णुदूतों ने अजामिल को बचा के छोड़ दिया, क्यों? अजामिल कुछ बात करना चाहता था विष्णुदूतों से, है ना, एक मिनट प्रभु जी रुकिए, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रभु जी, आपने हमको बचा लिया है, या महाराज या बाबा जी महाराज, जो भी विष्णुदूत को जो भी आप बोलिए। तो अजामिल कुछ बात करना चाह रहा है कि, है ना, बात क्या करेगा, धन्यवाद देगा और क्या करेगा, हैं, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपने किए गए पापों के लिए पछताएगा, हैं। लेकिन विष्णुदूतों का देखिए बड़प्पन की, उन्होंने उसको बचाया, लेकिन बचाने के बाद तुरंत गायब हो गए। और अजामिल कुछ बातचीत करना चाह रहा, लेकिन बात नहीं किया उन लोगों ने, हैं, क्यों बात नहीं किया, उसको छोड़ दिया कि अब तुम और शुद्ध करो अपने आप को। तो आगे जो यहाँ से आगे जो बातें आने वाली है, वो तो हर साधक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आगे का जो श्लोक, जितने श्लोक आएंगे, वो साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो सारे श्लोक। क्यों? क्योंकि आगे अजामिल जो है, अब अजामिल साधक के वास्तव में जेन्युइन साधना की शुरुआत होती है कब, कैसे होती है? जेन्युइन साधना की शुरुआत होती है पश्चाताप से। पश्चाताप, दो होता है, एक पूर्व ताप और एक पश्चाताप। पूर्व ताप क्या होता है? अगर आप पूर्व ताप कर ले तो पश्चाताप होगा ही नहीं। पूर्व ताप मतलब उस ताप को महसूस करना, ताप आग लगने से पहले ही आग की गर्मी महसूस कर लें, उसको बोलते क्या पूर्व ताप, कि कितना भयानक होगा जब वो आग लग जाएगी, और पहले ही अगर महसूस कर ले तो आग लगने ही ना दे, इसको कहते पूर्व ताप। और एक है कि आग लगने के बाद फिर जब जल रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, कैसा क्यों किया मैंने, गलती ऐसा क्यों किया मैंने, मैं इतना पापी हूँ, इतना मूर्ख हूँ मैं, इतना बढ़िया अवसर मिला था मुझे, ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, है ना। अजामिल आगे पश्चाताप करेंगे, क्या क्या पश्चाताप करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, उसी तरह से हम भी कम से कम पश्चाताप कर सकते हैं, है कि नहीं। जो भी हमने साधक जो है उसको हमेशा याद पश्चाताप करना चाहिए जो भी उसने किए हैं। और सबसे पश्चाताप करने का बेस्ट तरीका क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे बड़ा कोई पश्चाताप का तरीका नहीं है। यही बताएंगे, क्योंकि पश्चाताप की बात यहाँ पे किया गया है। सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित को कि मरने से पहले अगर जीव अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता, पश्चाताप नहीं कर लेता है, प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तो उसको नरक में पिटाई होगी।
तो इसलिए पश्चाताप, प्रायश्चित पश्चाताप बाद अपने को शुद्ध भी करना होता है। तो अजामिल जो है वो इस बात को महसूस किए, रियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि अजामिल को यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, सेकेंड लाइफ, सेकेंड चांस। प्रभुपाद जी ने किताब भी लिखा है क्या, सेकेंड चांस, है ना। वो उस पिछली बार मैं क्लास यहाँ अटेंड किया था तो मोहन रूपा प्रभु बता रहे थे वो कथा। उस वो भक्त है केन्या में, नैरोबी में, श्रीवास प्रभु, हाँ श्रीवास प्रभु कथा बता रहे थे कि कैसे उनको यमदूत दिखाई दिए। वो अपने घर में बैठे हुए थे, अचानक उनको यमदूत घुस आए उनके घर में, भक्त बनने से पहले, स्वयं भक्त नहीं थे, और वो डर के भागने लगे, और बाहर भागने लगे, रोड पे भाग रहे थे यमदूत पीछे पीछे, तो सामने से भक्तों की संकीर्तन पार्टी आ गई। तो एक भक्त जब किताब लेके आ गया, ये सेकंड चांस, ये देखिए अभी भी ये चांस है आपके लिए। तो उन्होंने देखा तो उस सेकंड चांस पे यमदूतों का फोटो बना हुआ है ना। उसको देख के उन्होंने बोला, तुम लोग कैसे जानते हो इसको, यही तो थे अभी आए हुए थे, ये कौन है ये तुमको पता है। तो बोले ये तो यमदूत हैं, यमदूत हैं। बोले कहाँ रहते हैं, बताया इस किताब को पढ़ो तो पता चलेगा, है ना, सारा डिटेल में पता चलेगा कि ये कौन है और कहाँ रहते हैं और क्यों आते हैं और किसके पास आते हैं, है ना। तो देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था है कि ये दोनों डिपार्टमेंट मिल गए एक साथ, यमदूत और विष्णुदूत डिपार्टमेंट, और बीच में एक भक्त, है ना। तो इसी तरह से सुधार होता है, है ना, जीवात्मा का सुधार ऐसे ही होता है। तो यमदूत जो है वो ढूंढते रहते हैं, ऐसे दंड देते हैं पापों के लिए, गलत करेंगे तो दंड मिलेगा, है ना। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि सेकंड चांस अजामिल को मिला, है ना, एक्सटेंशन, थोड़ा समय ले लो और अब बाकी समय फालतू में मत बिताना, अब क्या करना, अब फोकस होके भक्ति करना। अजामिल ठीक है बहुत पापी था, लेकिन हम लोगों से थोड़ा बढ़िया था, है ना, क्योंकि एक बार जब उसको रियलाइज हो गया कि मुझसे गलती हो गई, तो टेंपल ज्वाइन कर लिया। ऐसे आगे वर्णन आएगा, हरिद्वार में टेंपल ज्वाइन किया, शायद इस्कॉन टेंपल ज्वाइन किया, जो भी हो, विष्णु टेंपल का वर्णन आता है कि विष्णु टेंपल ज्वाइन किया अजामिल ने, और मंदिर में फुल टाइम डिवोटी बना, है ना। लेकिन उसके बाद उसने प्रजल्प और फालतू की चीज़ों अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। अब सेकंड चांस के बाद थर्ड चांस की अपॉर्चुनिटी, मौका छोड़ा नहीं उसने कि थर्ड चांस फिर मिलना जरूरत है हमारे लिए, फोर्थ चांस, फिफ्थ चांस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेकंड चांस में ही लाइफ को निकाल देना चाहिए। तो उसी तरह से हम सब भी हैं, हम सबको भी एक सेकंड चांस यहाँ प्रभुपाद जी की कृपा से मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अजामिल की मेंटालिटी, जो माइंड सेट है, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, यहाँ से आगे का, पीछे का नहीं।
यहाँ से आगे अजामिल का क्या मानसिकता, किस मूड से वो आगे बढ़ा यहाँ से भक्ति में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साधक को उस बात को समझने के लिए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि रिपेंटेंस। क्या रिपेंटेंस? चार चीज़ें आएंगी अजामिल के, फोर आर याद रखिए। आर, पहला आर क्या है? रिपेंटेंस। दूसरा रिकॉग्निशन, चौथा रेक्टिफिकेशन, एंड पांचवा रिजॉल्व। पहला रिपेंटेंस, पश्चाताप की मैंने गलती किया, ये भी बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है पश्चाताप करना। जनरल टेंडेंसी क्या होता है जीव का, कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी है ना, खुद गलती करेगा और दूसरे को ही ब्लेम कर देगा, नहीं आप ही की गलती थी, आप गलती नहीं करते तो हम गलती नहीं करते। तो सबसे पहला पश्चाताप का स्टेट क्या है? एडमिट करना, महसूस करना, फील करना कि हाँ मेरे से गलती हुआ है ना। ये भी बहुत बड़ा काम है, आसान काम नहीं है, सब लोग नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं कर सकते। असुर तो बोलते हैं कि मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, है ना। इसलिए भगवान की लीला में दोनों प्रकार के लोग थे, असुर भी और देवता भी, दोनों को भगवान ने दंड दिया, देवताओं को भी दंड दिया भगवान ने और असुरों को भी, दोनों के अंदर अहंकार था, है ना, दोनों के अंदर, दोनों का दलन किया भगवान ने, देव दलन और दुष्ट दलन दोनों। लेकिन दोनों में अंतर था, क्या अंतर था? कि देवताओं ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, पश्चाताप किया, प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु, है ना, भगवान इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, पर इतनी तो डिसेंसी होनी चाहिए, है कि नहीं, इतनी तो डिसेंसी होनी चाहिए कि कम से कम गलती होने के बाद मान लें, है कि नहीं, इतनी डिसेंसी हमको होनी चाहिए अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो। तो हम देखते हैं कि स्वीकार करना कि हाँ है ना, मैंने गलत किया है, इसी के लिए टाइम दिया गया कि आगे जो एक्सटेंशन मिला है यहाँ पे उसकी आयु बढ़ा दी गई। चूंकि अब अजामिल कहते हैं कि जो जो लोग अधम होते हैं उनकी आयु घटती जाती है, चूंकि अब अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त था इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी। आयु क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि पाप फलों से मुक्त, आप चाहते हैं कि आपकी आयु बढ़ जाए तो पाप फल से मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो आयु बढ़ाने का क्या फायदा है, और पाप करेंगे है? जिस जो व्यक्ति पाप फल और पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होगा उसकी आयु बढ़ा दे तो थोड़ा और पाप कर देगा, कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त है उसकी आयु बढ़ाई जाती है तो भगवान को लगता है कि इसकी आयु बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, थोड़ा अच्छा काम करेगा, इसलिए उसकी आयु बढ़ाया जाता है ना। जब विष्णु देवता ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहना चाह रहा है तो वे उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य अंतर्धान हो गए कि थोड़ा और भजन करो भगवान का, ये अवसर दिया उन्होंने, है ना। प्रश्न उठता है कि बोलते चलो अजामिल साथ में लेके चलते हैं, तुमको लेके जा भी तो सकते थे, है कि नहीं, चार विष्णु दूत अजामिल को लेके जा सकते थे साथ में, तो लेके क्यों नहीं गए। कई बार भक्त लोग, हम लोग सोचते हैं कि मतलब भगवान इतना देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत हमको आज ही लेके चले जाए भगवत धाम, है कि नहीं, वहां पे जाके अपना आराम से रहेंगे, है कि नहीं, हमने सुन रखा है वहाँ बहुत फैसिलिटी है, भगवत धाम बहुत फैसिलिटी है ना, तो क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे,
है ना, तो वहां पे भी जा क्या करेंगे हम, वहां पे भी अपना मंगल आरती में सोएंगे, है ना, वहां भी जाके मंगल आरती में सोएंगे, वहां पे भी दोस्त कर देखेंगे, है ना, वहां पे भी कुर्सी का चक्कर होगा गोलोक में, एक गोपी दूसरे का बाल पकड़ के खींच रही है, मार रही है, तेरे को पीटूंगी, चल हट, मैं कृष्णा के बगल में खड़ी होंगी, तू कैसे आ गई है? एक सखा दूसरे को पीट रहा है ना, कोई सुसाइड बम लेके ब्लास्ट ही हो गया तो इसलिए बढ़िया है कि ये लोग इधर ही रहे, है ना, नहीं तो वहां पे जो लोग थोड़ा शांति से रहे वो भी नहीं रह पाएंगे अगर हम पहुंच जाए उधर, तो है कि नहीं। तो इसलिए हम सबको यहाँ पे रखा गया, किस लिए, ताकि हम क्या हो सके, शुद्ध होकर उस स्टेज को प्राप्त कर सके, है कि नहीं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर कहते हैं। तो इसलिए भगवान का धाम और ये जो माया का धाम, इसके बीच का एक धाम बनाया भगवान ने, जिसका नाम है इस्कॉन, है ना, ये बीच वाला है ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे लाया गया, ये बीच का धाम है, यहाँ पे क्या होगा, हम सबका शोधन हो रहा है, शोधन, छय बेगदूमी छय दो शोधी, छय गुण देहो दासे, छय सत्संग देहो है हमारे बसे ची संग रासे, वह वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। तो ये इसके लिए भगवान ने इसकी रचना की है, भगवान ने बनाया इस्कॉन, जो है भगवान की करुणा का एक मैनिफेस्टेशन है, जिसको हम फील करें कि भगवान के हृदय में कितनी करुणा है, है ना, उसके लिए कितनी, ये सारी जो मैनिफेस्टेशन, ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर, ये सब, ये डिवोटी डीटी, ये सारी क्या है, भगवान की करुणा जो है इसमें प्रकट हुई है इस कलयुग में, है ना, कलयुग में भगवान की करुणा का प्राकट्य है, और उस करुणा के समुद्र है ये इस्कॉन, इसमें हम लोग आए हैं, इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, है ना, इसका लाभ उठाकर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने बीच में एक व्यवस्था बनाई जहाँ कि हम, हमारा शोधन होगा, हमारे जो दोष हैं, लेकिन शोधन किसका होगा, जो शुद्ध होना चाहेगा, है ना, जो शुद्ध होना चाहता है, नहीं तो कई बार यहाँ पे भी आके भक्त लोग, है ना, और अपराध बढ़ जाते हैं, दोष बढ़ जाते हैं कई बार, जो कहते भक्ति उत्थ अनर्थ, एक अनर्थ ऐसा होता है जो इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले नहीं होता है, ज्वाइन के बाद डेवलप होता है, जानते, जनरली हम सोचते हैं कि इस्कॉन में आएंगे तो अनर्थ नष्ट होंगे, लेकिन हम सब देखा है कि कुछ ऐसे अनर्थ हो जो पहले नहीं थे, यहाँ आने के बाद डेवलप होते हैं, स्पेशल टिपिकल अनर्थ होते हैं जो पहले नहीं होते हैं, उसमें एक है गुरु भाव, है ना, क्या, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईलो अमानी ना हबो आमी, प्रतिष्ठा सा आशा हृदय दूषी बे हईबो निरय गामी, दया करो वैष्णव ठाकुर, क्या मैं वैष्णव हो गया है, मैं गुरु हो गया, ये तो पहले तो शिष्य ही नहीं थे तो गुरु क्या सोचेंगे, है? गुरु होने का अभिमान, है ना, वैष्णव होने का अभिमान है, और भी कई सारे, है ना, तो ये जो है पहले नहीं होता है, ये जुड़ने के बाद, माला वाला लेने के बाद फिर लगता है कि हाँ मैं कुछ स्पेशल हूँ, और फिर दोष देखना और फॉल्ट फाइंडिंग और निंदा और कुटिनाति है, निषिद्धाचार, जीव हिंसन, पूजा प्रतिष्ठा, लाभ,
आदि जत जत उपशाखा गण है ना, इसमें कई सारे पूजा प्रतिष्ठा लाभ की भावना ये सब विशेष रूप से इसको भक्ति उत्थान अर्थ कहते हैं। भक्ति उत्थान अर्थ में बेसिकली पूजा प्रतिष्ठा लाभ PPL चैंपियनशिप है ना, PPL एक IPL चल रहा है, एक PPL इस्कॉन में होता है क्या, PPL चैंपियनशिप मतलब पूजा प्रतिष्ठा लाभ चैंपियनशिप है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को क्या करना है, बचाते हुए आगे बढ़ना है ना, ताकि हम जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं यहाँ उस लक्ष्य को हम पूरा कर सके। और इसका शुरुआत कहाँ से होता है, ए से, ए मीन्स एप्पल, ए मीन्स एडमिट, क्या एडमिट, एक्सेप्ट करना, हम अपनी कमियों को निकालें, ढूंढे है ना, कमियों को निकाले कि यहाँ पर एक कमी है। हमें केवल भक्ति नहीं करना है, हमें डिलीवरेट भक्ति करना है, हमें केवल प्रैक्टिस नहीं करना है, डिलीवरेट प्रैक्टिस करना है। अगर हम एडवांसमेंट चाहते तो डिलीवरेट प्रैक्टिस, दोनों में अंतर है, एक प्रैक्टिसिंग भक्ति और एक डिलीवरेट प्रैक्टिस, दोनों में बहुत अंतर है ना। एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, माला हो रहा है, हम माला कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं ना, लेकिन ये प्रैक्टिस है डिलीवर, इससे हम एक्सेलेंस नहीं आएगा डिवोशन में। जब का एक्सेलेंस तब जब बहुत ध्यान से करेंगे तो हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे, अनर्थों से मुक्ति होगी जब हम ध्यान पूर्वक करेंगे। केवल जप नहीं करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है ना। तो इसी प्रकार से जो विधियां बताई गई हैं, अगर उस विधि के अनुसार भक्ति की जो विधि है वो अगर उस विधि के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। वो उत्पात क्या है, यही भक्ति उत्थान अर्थ, यही उत्पात है कि शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, भक्ति उत्थान अर्थ बढ़ जाएंगे। हाँ, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे का गला काट देते हैं। हाँ, वो अयोध्या में एक संत जी आत्महत्या कर लिए, तो मैं बोल रहा था, डाटा बता रहा था एक लेक्चर में कि देखिए इतने लोग आत्महत्या करे इसलिए आप लोग भक्ति में जुड़िए, तो उसने बोल दिया महात्मा जी भी तो आत्महत्या किए। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या फायदा भक्ति का, देखिए वो महान संत है, अखाड़ा के गुरु जी हैं, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, आत्महत्या कर गए। काउंटर क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो इसलिए गंभीरता पूर्वक हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अनर्थ बढ़ जाएंगे अगर हम भक्ति में जुड़ के, अगर हम फालतू की चीजों में आकर्षित हो जाएंगे वो पूरी तरह से है ना गलत रास्ते पे जा सकते हैं। और इसलिए स्पिरिचुअलिटी इतनी कॉन्फ्लिक्ट, इतनी लड़ाई, इतना बहुत ज़्यादा है ना मठों में है ना अखाड़ों में लोग बॉडी गार्ड लेके चलते हैं कि इधर गन वाला, एक इधर गन वाला, एक आगे गन वाला, एक पीछे गन वाला है ना। आप जाइए कुंभ में, आप देखिए कई सारे गुरु आते हैं महामंडलेश्वर, चारों पाँच बॉडी गार्ड आगे पीछे रहते हैं। एटलीस्ट हमारे इस्कॉन में ऐसा नहीं है ना कि सीनियर से सीनियर डिवोटी भी अपना ऐसे जाते हैं, ऐसा इतना कुछ नहीं है, है ना। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत होती है लेकिन इस लेवल का नहीं, बाकी आप देखो कितना ज़्यादा लड़ाई झगड़े की, एक जो है दूसरे को गोली से उड़ा देगा, इतना खतरा है ना प्रॉपर्टी और ये सब, क्योंकि संस्था और इंस्टीट्यूशन जब डेवलप होता है उसमें प्रॉपर्टी आती है, पैसा आता है, धन आता है, वैभव आता है, ईश्वर आता है, अनुयायी आते हैं, इतनी सारी चीज़ें आएंगी। और जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, इतना पावरफुल एम्पायर होगा, तो जहाँ कहते जहाँ गुड़ होगा वहाँ कौन आएगा, चींटी आएगी। मक्खी कहाँ से आएगी गुड़ पे, चींटी आती है ना। तो जहाँ गुड़ होगा वहाँ, तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग आ सकते हैं अट्रैक्ट होके है ना। एक तो देख सकते यहाँ बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत चांस है यहाँ पे ग्रोथ का,
अपॉर्चुनिटी है, हम कब्जा कर सकते हैं। दूसरा आ सकता है कि नहीं, यहाँ पे भगवान है, भक्त है, श्रीमद् भागवत है, मैं यहाँ आकर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सकता हूँ। दूसरा व्यक्ति यहाँ के इन सब चीज़ों में भी फंस सकता है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, काश अगर मैं अपने नाम पे करा लूँ। दोनों अवसर मिलता है कि नहीं? तो इसलिए हम कौन से रास्ते पे चल जाएंगे उसमें सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी व्यवस्था का पर्पस क्या है? पर्पस है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, उसको हमको फोकस करना चाहिए। तो मैं यही विराम दूंगा, थैंक यू सो मच। और जितामृत प्रभु बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो बहुत ही अच्छे से कवरअप हो जाता है, तो थोड़ा सुनते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवक्षुम तम विवक्षुम अभिप्रेत्य है, महापुरुष किंकरा, महापुरुष के जो सेवक हैं, विष्णुदूत हैं, तो उन्होंने देखा अजामिल को, विवक्षुम देखा, विवक्षु का मतलब है कहने की इच्छा, उसकी बोलने की इच्छा है, मुमुक्षु जिसकी मुक्त होने की इच्छा होती है तो मुमुक्षु कहलाता है, विवक्षु जिसकी बोलने की इच्छा होती है वो विवक्षु कहलाता है। अजामिल की बोलने की इच्छा है तो महापुरुष किंकरा जो भगवान विष्णु के दूत हैं, सहसा पश्चित अस्तस्य, तो सहसा उसके देखते देखते ही अंतर्धान हो गए, तो उसको देखते देखते, तो विष्णुदूत उसको देख रहे हैं अजामिल को, और अजामिल उनको देख रहा है, तो विष्णुदूत अपनी पीठ नहीं दिखा रहे हैं कि पीठ दिखा करके जाएं, नहीं, अजामिल को पीठ नहीं दिखा रहे हैं। अक्सर तो ये होता है कि भाई पीठ दिखा के जाते हैं, है ना, नहीं पीठ नहीं दिखा रहे हैं अजामिल को, अजामिल उनको देख रहा है और वो उसको देख रहे हैं, और देखते देखते अंतर्धान हो गए, और उनकी जो दृष्टि है वो बड़ी स्नेहिल दृष्टि है अजामिल के प्रति। यमदूतों की दृष्टि बड़ी कठोर, कैसे देखते हैं वो, है ना, उनकी देखने से ही मतलब प्राण निकल जाएं, ऐसे देख रहे हैं। विष्णुदूत देख रहे हैं बड़ी सौम्य दृष्टि से, बड़ी स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन बात करने का अवसर नहीं दिया, बात करने का अवसर नहीं दिया, लेकिन स्नेह दिखा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बात करने लायक नहीं है अजामिल, है ना, तो उसकी रक्षा तो कर दी, लेकिन अभी वो जो है बात करने लायक नहीं है अजामिल, तो इतना शुद्ध नहीं हुआ। नाम आभास, जब नाम का आभास होता है तो उससे साधु संग मिलता है, और साधु संग से फिर भजन क्रिया, अभी तो उसको भजन क्रिया करना है, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, तब कहीं प्रेम में पहुँचेगा, तो अभी नाम आभास से प्रेम थोड़ी मिलता है। वो नाम आभास उसने बोला था, अपने पुत्र के लिए उच्चारण किया था, तो कृष्ण प्रेम, अभी वो इतना पवित्र नहीं हुआ, उसके अनर्थ अभी इतना दूर नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए पूरी तरह से, कि वो जो है उसको प्रेम प्राप्त हो जाए और भगवान के धाम में जाने योग्य हो जाए। तो अभी क्या है कि नाम आभास से, लेकिन शुद्धि इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति प्रायश्चित तो हो गया, उन्होंने कहा कि करोड़ों जन्मों के पापों का इसका प्रायश्चित हो गया, विष्णु दूतों ने कहा, लेकिन पश्चाताप, पश्चाताप नाम की शक्ति से क्या है, प्रायश्चित तो हो ही जाता है, लेकिन पश्चाताप होता है कि व्यक्ति की अब पाप करने की इच्छा खत्म हो गई, उसकी जड़ खत्म हो गई, पाप करने की जो इच्छा होती है ना, जो भोगने की जो इच्छा होती है, वासना, भोगों की वासना होती है, तो वो खत्म हो गई उसकी, उसको पश्चाताप हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि वो इतना उसकी प्रायश्चित से आगे, प्रायश्चित में क्या है, पश्चाताप नहीं होता, प्रायश्चित हो गया पश्चाताप नहीं होता और फिर से व्यक्ति पाप करता है, लेकिन वो जो है इतना शुद्ध हो गया है कि पाप का प्रायश्चित होने के बाद ही पश्चाताप कर रहा है ना, अब आगे से उसको इतनी नफरत हो गई है कि मैं मतलब बिल्कुल जैसे कि थू थू करे व्यक्ति, मतलब क्या मल उसको देख करके थू थू करता है व्यक्ति, देखना नहीं चाहता, तो अपने अंदर जो है उसको बड़ी आत्मग्लानी हो रही है। तो जो महापुरुष किंकर हैं, जो भगवान विष्णु के दूत हैं, उसको देखते हुए उसको इशारा यही कर रहे हैं, संकेत यही कर रहे हैं कि अभी तुम अपने ही से बात करो, अभी मुझसे हमसे बात मत करो, अपने आप बात करो, तुम अपने आप बात करो, अपनी निंदा करो, तो तो प्रायश्चित होता है, तो अजामिल को अब जो है अवसर दे रहे हैं कि तुम प्रायश्चित, सॉरी पश्चाताप,
पश्चाताप, अपनी निंदा करो तुम, अभी मुझसे बात हमसे बात ना करो, अगला जो कदम है तुम्हारा, अगला जो कार्यक्रम है वो यह है कि तुम पश्चाताप करो। और पश्चाताप करो तो फिर उसने पश्चाताप किया और फिर जैसे प्रभु जी बता रहे हैं हरिद्वार में जाकर के उसने जो है मतलब मंदिर में फिर भजन क्रिया, तो भजन क्रिया है ना। तो जो से यहाँ प्रभुपाद उसलोक उद्धृत कर रहे हैं, ये साम तुंद गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़ व्रता। तो दृढ़ निश्चय के साथ भजन करना भजन क्रिया है, साधु संग से क्या होता है भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। अभी अनर्थ है दूर नहीं हुए हैं उसके, हैं उसका जो है प्रायश्चित हो गया सब पापों का, हैं और अभी उसको पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, अब वो भजन क्रिया करेगा फिर उसके अनर्थ दूर होंगे, अनर्थ दूर होंगे फिर निष्ठा में आएगा, फिर रुचि में आएगा, फिर आसक्ति में आएगा, फिर भाव में आएगा, तब कहीं प्रेम में आएगा। तभी तो प्रेम का रास्ता है वो काफ़ी लंबा है ना। तो शुद्ध नाम और नाम आभास में ये अंतर है। शुद्ध नाम में भगवान स्वयं दर्शन देते हैं और संकट से रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने शुद्ध नाम लिया था कृष्ण का, तो उसको कृष्ण का दर्शन, कृष्ण स्वयं रक्षा करने के लिए आए और द्रौपदी ने दर्शन किया कृष्ण का, किस रूप में वस्त्र अवतार, भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया, वस्त्र के रूप में अवतार धारण किया, द्रौपदी के वस्त्र बन गए। द्रौपदी ने दर्शन किया, चाहे हर कोई ना समझ पाए, लेकिन वस्त्र के रूप में भगवान अवतरित हो गए और द्रौपदी ने दर्शन किया। तो वो शुद्ध नाम में भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, है ना। योग क्षेम वहाम यम, क्षेम रक्षा करने के लिए, वाहन मतलब मैं स्वयं ही रक्षा करता हूँ। लेकिन नामाभास में भगवान स्वयं नहीं आए, लेकिन भगवान के भक्तों का जो है संग मिल गया और संग से जो है उसकी इतनी शुद्धि हुई कि जो है अब प्रायश्चित होने के बाद भी उसको पश्चाताप होने लगा, है ना। तो यही अंतर है कि द्रौपदी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी अनग यहाँ शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, अनग है। तो परीक्षित महाराज अनग है, तो अजामिल भी अनग हो गया, निष्पाप हो गया, परीक्षित महाराज भी निष्पाप है। लेकिन परीक्षित महाराज की जो निष्पापता है वो बहुत आगे है, वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हैं, मतलब कितने निष्पाप हैं कि वो उनके अनर्थ निवृत्ति भी हो गई और जो है निष्ठा और रुचि और आसक्ति भाव प्रेम के धरातल में है, इसलिए गर्भ के अंदर ही भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। अजामिल को तो जो है विष्णुदूतों ने रक्षा कर दी, लेकिन अभी बात भी नहीं कर रहे हैं और चले गए। लेकिन यहाँ भगवान जो है साक्षात परीक्षित की रक्षा करने के लिए दर्शन दे रहे हैं, तो रक्षा भगवान कर सकते थे, दर्शन देने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन परीक्षित को दर्शन दे रहे हैं। और परीक्षित को कैसे दर्शन दे रहे हैं कि भगवान उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, और जो बच्चा है वो गर्भ के अंदर बैठा हुआ है तो देख रहा है ये कौन है, ये पुरुष कौन है, है ना। और भगवान रक्षा कर रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं, परीक्षित की परिक्रमा कर रहे हैं, पूरी दुनिया भगवान की परिक्रमा करती है और भगवान परीक्षित की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इतना जरूरत क्या थी भगवान को करने की, रक्षा तो वैसे ही ब्रह्मास्त्र से रक्षा वैसे भी कर देते, उनकी इच्छा से ही रक्षा हो जाती, लेकिन दर्शन दे रहे हैं भगवान। तो परीक्षित की स्थिति बहुत बहुत दिव्य है, बहुत शुद्ध है, तो वो नहीं जानते कि ये कौन है, लेकिन उनको भगवान का दर्शन हो रहा है, साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। और जैसे उनका जन्म हुआ तो रोए नहीं, ये बालक रोया नहीं, वो सबके मुंह को देख रहा है और परीक्षा कर रहा है कि मैंने जिस पुरुष को देखा था वो कहाँ है, वो तो ये नहीं है, वो तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, परीक्षा, इसलिए उसका नाम परीक्षित तो परीक्षा कर रहा है ना। तो यहाँ पर यही अंतर है कि शुद्ध नाम से प्रत्यक्ष दर्शन द्रौपदी को जो है भगवान स्वयं संकट से रक्षा करने के लिए आए और दौड़ करके आए, द्वारका से दौड़ करके आए, है ना। तो ये मतलब विशेष बात है। और नामाभास, तो नामाभास से जो है व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसको प्रेम नहीं प्राप्त होता है, है ना। नामाभास से पाप दूर हो जाते हैं, संकट से रक्षा हो जाती है, है? तो नामाभास का मतलब ये है कि जो सूर्योदय से पहले सूर्य का आभास होता है तो वो प्रकाश इतना हो जाता है कि अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य का प्रकाश नहीं अभी आया है, सूर्योदय में सूर्य का प्रकाश आता है, लेकिन सूर्योदय से पहले सूर्य का आभास होता है, तो सूर्य का प्रकाश तो नहीं होता, लेकिन तो भी प्रकाश होता है जो अंधकार को दूर कर देता है,
तो पापों से तो मुक्ति हो जाती है नामाभास से, लेकिन वो प्रेम नहीं प्राप्त होता है जो कि शुद्ध नाम से होता है। शुद्ध नाम सूर्योदय के समान है, तो सूर्योदय का कितना प्रकाश होता है और सूर्याभास का कितना प्रकाश होता है, अंतर है। तो इस प्रकार से ये अंतर है। और लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम नामाभास के धरातल पर आ जाएं, किसी प्रकार नामाभास के धरातल पर आ जाएं, तो इससे मतलब बहुत बड़ी रक्षा है, बहुत बड़ी रक्षा है। और नामाभास से जो है अजामिल का क्या हुआ, अपराधों अपराध रहित नाम अगर हो जाए तो हम इतने शुद्ध हो जाएंगे, पाप तो हमारे बंद हो ही जाएंगे, हैं, बल्कि पश्चाताप होने लगेगा। अजामिल को जो पश्चाताप हुआ तो उसकी शुद्धिकरण, उसका इतना शुद्धिकरण हुआ कि उसको पश्चाताप होने लगा। फिर प्रायश्चित की विधियों से उतना शुद्धिकरण नहीं होता है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, पाप से वो जो है छूट जाता है, प्रायश्चित के द्वारा पापों से छूट जाता है। और प्रायश्चित की विधि भी बड़ी कठिन होती है, बहुत लंबी होती है, और एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित। लेकिन यहाँ तो एक नामाभास से करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। लेकिन केवल इतनी नहीं कि प्रायश्चित ही केवल हुआ, बल्कि उसका पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, उसका इतना हृदय शुद्ध हो गया है कि उसको जो है बड़ी ग्लानी हो रही है, बड़ी नफरत हो रही है। तो ये चीज़ है कि मतलब इस कथा से जो है हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है, नाम की कितनी शक्ति है अगर अपराध ना किया जाए। तो जो अपराध है तो ये जो है नाम की शक्ति को ख़त्म करता है। ये पानी की तरह, अपराध पानी की तरह, आप अपराध करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने उसमें पानी डाल दिया, किसमें, नाम की अग्नि में। नाम की अग्नि पापों को जलाती है, हैं, और सूखे ईंधन को तो जला डालेगी अग्नि, लेकिन आप पानी उसमें डाल रहे हैं उसी में, तो वो जो है फिर धुआं ही धुआं होगा और आंखें खराब होंगी और वो ईंधन जलेगा नहीं, तो पाप नहीं नष्ट होते हैं। तो अपराध, अपराध जो है पानी की तरह है, और पाप आपके सूखे ईंधन की तरह है, और नाम जो है अग्नि की तरह है। तो आप अपराध अगर करते हैं तो वो जो है नाम की शक्ति को नष्ट करता है, है ना। तो अगर अपराध किसी प्रकार से ना हुए, है ना, अपराधों से हम छूट जाएं, हम 10 अपराध रोज बोलते हैं नाम के, और नाम प्रभु से ही प्रार्थना करें कि आपके जो है अपराध से हमारी रक्षा करो, तो हम जो है फिर ये है कि पानी ना डालें तो नाम की अग्नि जो है करोड़ों जन्मों के पापों को भी भस्म कर देगी और तुरंत भस्म कर देगी। तो ये जो है मतलब विचार है कि हमें विचार करना है और नाम की शक्ति कितनी है इस पर विचार करना है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ग्रंथराज भागवतम की हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।